22 सितंबर को यहाँ इस राज्य के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ ने काली खोदने का काम किया, उससे आक्रोशित होकर के ये पंचायत है। आज पंचायत निर्णय करने जा रही है मुख्यमंत्री के खिलाफ भी, और जो लोग दोषी हैं काली खोदने वाले उनके खिलाफ ये पंचायत निर्णय करने जा रही है। देखिए, हमारे समाज पर हमें आज दिवाली मनानी अच्छी नहीं लग रही है। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटाने से उपजी नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। ये बात राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति की बुलाई गई उस महापंचायत में लिए गए फैसले से बहुत हद तक साफ हो गई है। 31 अक्टूबर को दादरी के मिहिर भोज इंटर कॉलेज में आयोजित हुई इस महापंचायत में यह फैसला लिया गया कि इस बार गुर्जर समाज दीपावली नहीं मनाएगा। इसके साथ ही भाजपा नेताओं के सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार का ऐलान भी किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति की बुलाई इस महापंचायत में उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से भी गुर्जर समाज के लोग शामिल हुए थे। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर गुर्जर समाज की इस नाराजगी का कारण क्या था, क्यों था, कैसे मनाया जाए और मनाने की आखिर जरूरत क्यों है। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। इसी के साथ इस महापंचायत में गुर्जर समाज ने केंद्र सरकार से सेना में गुर्जर रेजिमेंट बनाने की मांग करते हुए कहा कि भैया देश की सीमाओं पर गोली जो है वो गुर्जर खाएं और कंधे पर राजपूत रेजिमेंट लिखा हो। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब गुर्जरों को सेना में अलग रेजिमेंट चाहिए। राजस्थान के 5% गुर्जर आरक्षण को केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में डालने और नोएडा एयरपोर्ट का नाम गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज और दादरी रियासत के राजा शहीद राव उमराव सिंह की बड़ी प्रतिमा लगाए जाने की केंद्र सरकार से इन्होंने मांग की है। मेरा ये कहना है कि हमें उनसे बड़ी उम्मीदें थी, इसलिए हमारे लोगों ने इकट्ठा किया, अपने पैसे से मूर्ति लगाई, ये यूनिवर्सिटी बनाई, ये बिल्डिंग बनाई। जब वहाँ उन्हों को दे दी तो हमें क्या दिक्कत थी, तो उनसे बहुत पुराना था इंस्टीट्यूशन। दिवाली को लेकर आप लोगों ने क्या? हाँ देखिए, मैं अभी रुक जाऊँ, जल्दी मत, आज दिवाली हमें अच्छी नहीं लगती। जिनका सब अपमान हो जाए उनको कोई दिवाली देश के लिए, लोगों के लिए खुशियों भरी हो, उनको बधाई देता हूँ देश के लोगों को। लेकिन हमारे समाज को और हमें आज दिवाली मनानी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि हमारा तो ये कहना है कि अगर योगी जी ने और मोदी जी ने, अब तो सबसे पहले योगी जी कहेंगे कि वो कम से कम इस घटना उनकी मौजूदगी में हुई उस पर अफसोस जाहिर करें और फिर से बुला के हमारे समाज के लोगों को और उनको इस यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट करने की करें। गुर्जरों के कद्दावर नेता अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि गुर्जर समाज दबाव में आने वाला नहीं है, विधानसभा चुनाव में भाजपा इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहे। भाजपा ने गुर्जरों के इतिहास के पन्नों को बदलने की कोशिश की है। राष्ट्रीय पथिक सेना के अध्यक्ष मुखिया गुर्जर ने कहा कि भैया मुख्यमंत्री को 31 अक्टूबर तक माफी मांगने का वक्त दिया गया था, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। 7 नवंबर को मेरठ में होने वाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जहां जहां रैली करेंगे समिति के सदस्य वहीं आंदोलन का विरोध करेंगे। ये पंचायत इसलिए आयोजित की गई है क्योंकि हमारी बिरादरी का इतिहास बहुत गौरवशाली है, जिसके ऊपर हमें गर्व है, लेकिन हमारे इतिहास को मिटाने का काम हो रहा है इस देश की राजनीति में, इस देश के अंतर्संस्था में। और हमारे गुर्जर समाज के नाम पर 22 सितंबर को यहाँ इस राज्य के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ ने काली खोदने का काम किया, उससे आक्रोशित होकर के ये पंचायत है। आज पंचायत निर्णय करने जा रही है मुख्यमंत्री के खिलाफ भी, और जो लोग दोषी हैं काली खोदने वाले उनके खिलाफ ये पंचायत निर्णय करने जा रही है कि हम ये गुर्जर समाज आखिरकार अपने आगे भविष्य में अपनी क्या रणनीति बना के रखेगा। आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत 22 सितंबर 2021 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दादरी के मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण से हुई। गुर्जर समाज के लोगों ने आरोप लगाया था कि अनावरण से एन वक्त पहले ही बीजेपी नेताओं ने प्रतिमा से सम्राट मिहिर भोज के आगे से गुर्जर शब्द हटा दिया था। इसी को लेकर गुर्जर समाज के लोगों में गुस्सा और आंदोलन देखा जा रहा है। उस दौरान अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के नेताओं ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर लिखे सीएम योगी आदित्यनाथ, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर और दादरी विधायक तेजपाल नागर के नाम पर कालिक पोत दी थी। बहरहाल अब इस घटना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के सभी गुर्जर नेताओं का गुर्जर समाज सामाजिक एवं राजनीतिक बहिष्कार करेगा। समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले में महापंचायत कर
गुर्जर समाज को एकजुट करने का काम करेगी। गुर्जर बहुल गांव में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगाकर भाजपा को अपनी ताकत का एहसास कराया जाएगा। तो ये यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में खतरा जरूर साबित होगा। किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी के बाद पश्चिमी यूपी में पहले से ही बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं अब गुर्जर समाज की इस नाराजगी ने बीजेपी का रास्ता और कठिन कर दिया है। ये खबर आप तक पहुंचाया है हमारे संवाददाता भूपेंद्र चौधरी ने। और यूपी से जुड़े तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए, अपडेट्स को जानने के लिए पढ़ते रहिए यूपी तक की वेबसाइट, और साथ ही देखते रहें यूपी तक। नमस्ते।